द ग्रैंड पैलेस, बनाए अपने खूबसूरत व यादगार पलों को और भी खास। द ग्रैंड पैलेस के परिणय बंधन के साथ साईं वाटिका के पास भोपाल रोड का घर। मुरैना जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सुदामा नगर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यह किराना कारोबारी सत्यदेव शर्मा ने पत्नी, बेटे और बेटी की गला काटकर हत्या कर दी। बाद में उसने खुद भी फांसी लगा ली। घटना का पता तब चला जब सुबह 9 बजे दूध वाला घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। जवाब न मिलने पर उसने पड़ोसियों को सूचना दी और फिर पूरा मामला सामने आया। पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर रेल मंडल के इटारसी जबलपुर रेलखंड पर बुधवार 31 मार्च की देर शाम बोहानी स्टेशन पर लगते वक्त इंजन के बाद वाली एक बोगी पटरी से उतर गई। घटना की जानकारी लगते ही हड़कंप मच गया और बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। हालांकि सभी यात्री सुरक्षित हैं। छतरपुर की बछौन थाना पुलिस ने अवैध हथियारों की फैक्ट्री का खुलासा किया है। इस अवैध फैक्ट्री में भारी मात्रा में अवैध कट्टे, हथबने कट्टे सहित कट्टा बनाने के औजार जब्त किए हैं। मौके पर पुलिस ने अवैध फैक्ट्री चलाने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी पुलिस को देखकर फरार हो गया। एसटीएफ भोपाल ने सागर के सुर्खी थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की है। नबलपुर गांव से घर में अवैध हथियार बनाकर बेचने वाले पिता पुत्र को धर दबोचा है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 2 कट्टे, 1 रिवॉल्वर, 5 कारतूस और अवैध हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान जब्त किया है। मध्य प्रदेश के बैतूल में जुआ पकड़ने गई पुलिस पर हमला हो गया है और आरक्षक की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस ने अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। बैतूल के भैंसदेही के पास सिहार गांव में बुधवार को होली मेले का आयोजन हुआ था। पुलिस को इस मेले में जुए चलने की सूचना मिली थी। जुआ फड़ को पकड़ने गए भैंसदेही पुलिस के दल पर जुआरियों और ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। भोपाल के बागसेवनिया इलाके में बुधवार की देर रात जादू टोना किए जाने के संदेह में 42 साल के अनिल शिंदे की हत्या की गई थी। 24 साल के आरोपी हितेश सरिया को शक था अनिल उस पर तंत्र मंत्र कर रहा है। इसी के चलते हितेश ने अनिल को घर से भी निकाल दिया था। इसके बाद अनिल पास ही किराए के मकान में रह रहा था। वो हितेश के मकान में 3 साल से रह रहा था। टीकमगढ़ निवाड़ी जिला प्रशासन ने पृथ्वीपुर से टीकमगढ़ मुख्य रोड पर सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण कार्यों पर बड़ी कार्यवाही करते हुए 5 करोड़ रुपए की बेशकीमती 1 हेक्टेयर जमीन का अतिक्रमण हटाकर जमीन खाली करा ली है। स्थानीय लोगों द्वारा पृथ्वीपुर से टीकमगढ़ रोड NH 37 मुख्य मार्ग पर 8 पक्की दुकानें और मकान बना लिए थे। राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दो दिन पहले वो दमोह में आयोजित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सभा में शामिल हुए थे। सूचना के मुताबिक गोविंद सिंह ने बुधवार को कोरोना जांच कराई थी। कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि के बाद उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो जारी कर लोगों को खुद के संक्रमित होने की सूचना दी। ग्वालियर में 2 लुटेरी दुल्हनों का कारनामा सामने आया है। दोनों उज्जैन की रहने वाली हैं, जिन्होंने 3 महीने पहले कपड़ा व्यवसायी के 2 भाइयों से शादी की थी। 2 महीने बाद ही घर से 8 लाख रुपए के गहने और 7 लाख रुपए लेकर फरार हो गई। पीड़ित व्यवसायियों ने बिलौआ थाना में दोनों बहुओं सहित अन्य 6 लोगों पर FIR दर्ज कराई है। मध्य क्षेत्र बिजली वितरण कंपनी द्वारा 1 अप्रैल यानी आज से कंपनी के कैश काउंटर बंद कर दिए हैं। उपभोक्ता अब MP ऑनलाइन, कॉमन सर्विस सेंटर CSC, ATT और POS मशीन के द्वारा नगद भुगतान कर सकते हैं। होटल द ग्रैंड पैलेस, बनाए अपने खूबसूरत व यादगार पलों को और भी खास। द ग्रैंड पैलेस के परिणय बंधन के साथ शादी समारोह व पार्टियों को खास बनाने के लिए मनमोहक साज सज्जा के साथ
स्वादिष्ट खाने का जायका लीजिए हमारे प्योर वेज केटरिंग के साथ। शॉल पार्किंग एरिया, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस। हमारा पता है होटल द ग्रैंड पैलेस, साईं वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर, मध्य प्रदेश।